अमेरिका के समर्थन से ही यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और जैसे जैसे अमेरिका का चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे यूक्रेन की चिंता भी बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप के पास युद्ध का क्या समाधान है वो सार्वजनिक करें, यानी ज़ेलेंस्की के एक बयान से दो संकेत नजर आ रहे हैं। क्या है ज़ेलेंस्की के बयान के मायने, क्या है ट्रंप का यूक्रेन प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। जब तक वॉशिंगटन से हथियार आपूर्ति हो रही है तब तक यूक्रेन रूस को आगे बढ़ने से रोके हुए है। बाइडेन का पूरा समर्थन यूक्रेन के साथ है, लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे ट्रंप इस युद्ध पर अपनी राय सार्वजनिक कर चुके हैं। This is a war that never should have started. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with $60 billion. He's the greatest salesman ever. He's got us in such a bad position right now with Ukraine and Russia because Ukraine's not winning that war. Trump ne jo kaha usse Ukraine ki chinta badhni tay hai, क्योंकि उनके रुख से नहीं लगता कि वो यूक्रेन को हजारों करोड़ डॉलर की मदद जारी रखने वाले हैं। इसी चिंता में ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए कहा है, अगर ट्रंप जानते हैं कि युद्ध कैसे खत्म होगा तो हमें आज ही बता दें। अगर उनके प्लान से यूक्रेन की स्वतंत्रता पर खतरा है, अगर हमारा राष्ट्र खत्म होता हो तो बता दें, हमें मन बनाने के लिए समय तो मिले। हम जानना चाहते हैं कि नवंबर के बाद यूक्रेन को यूएस का समर्थन जारी रहेगा या हम युद्ध में अकेले होंगे। पहला ये कि यूक्रेन युद्ध का समाधान चाहता है और ज़ेलेंस्की शांति के लिए यूक्रेन की जमीन भी रूस को सौंप सकते हैं। दूसरा ये कि ज़ेलेंस्की भी ये मान रहे हैं कि इस चुनाव में ट्रंप की जीत हो सकती है। ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में कहा है कि वो राष्ट्रपति बने तो 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध बंद करा देंगे, लेकिन कैसे ये नहीं बताए। इसके बाद अमेरिकन मीडिया में कयास लग रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच डील हो सकती है। 14 जून को पुतिन ने यूक्रेन के सामने शांति प्रस्ताव रखा। इसमें कहा गया कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद छोड़े। इसके साथ ही लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन छोड़ दे तो रूस युद्ध बंद कर देगा। इस प्रस्ताव पर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी थी कि पुतिन की शर्तें मंजूर करने लायक नहीं है। तो फिर युद्ध का समाधान क्या हो सकता है? इस पर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के 65,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के क्रीमिया, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, डोनेस्क, खेरसोन प्रांतों के कई शहरों पर रूस का कब्जा है। ट्रंप पुतिन को जीते हुए इलाके का कुछ हिस्सा देने का प्रस्ताव रख सकते हैं। जीते हुए इलाके के कुछ हिस्से पुतिन छोड़ने पर सहमत हो सकते हैं।